Hello students, I hope all of you have enjoyed the Diwali and Diwali vacations, and now you will have exams after a few days, and four lessons are coming. That is lesson number 4, 5, 6 and 7 in the exam, and we have already revised all these lessons. Now today we will start with lesson number 8, that is food. So you all know the importance of food, why food is important, because food is one of the basic necessities of life. Basic necessities means without food hum survive nahi kar payenge. There are we can't survive without air, that is oxygen. Secondly, without water we can't survive, and third most important thing that we need is food. तो फूड के बिना हम ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते, और यू कैन से कि हम जिंदा नहीं रह सकते. सो लिविंग थिंग्स नीड फूड. व्हाई दे नीड फूड? टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी. सो लिविंग थिंग्स को फूड क्यों चाहिए? जीने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड रिमेन हेल्दी, और हेल्दी रहने के लिए. इन सारी चीजों के लिए जो है फूड की, हमको फूड की जरूरत होती है जीने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. एंड यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग वर्क, राइट? हम काम करते हैं सारे, वॉक करते हैं, हम बोलते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, जो रन करते हैं, कुछ भी खेलते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए हमको क्या जरूरत होती है? We need energy. Without energy, we can't do any type of work. हम कोई भी work नहीं कर सकते. हर एक काम के लिए हमको क्या चाहिए? Energy चाहिए. And from where do we get this energy? और हमको energy कहाँ से मिलती है? We get this energy from the food. हमको ये energy कहाँ से मिलती है? Food से मिलती है. So food gives us energy to do वर्क. और फूड हमको क्या देता है? एनर्जी देता है. जो भी हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, उन सब के लिए करने के लिए हमको एनर्जी देता है. कौन? फूड. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन क्लास 2 दैट वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें फूड प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स इज गिवन. सो वी ईट फूड टू. हमें फूड किस लिए चाहिए? सो हियर वी हैव डिस्कस दैट वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. सो देयर आर द ऑप्शंस, लिव एंड ग्रो. सो हमको किस लिए चाहिए? टू लिव एंड ग्रो, बिकॉज देर आर ओनली टू ऑप्शन. सो थर्ड तो हमें रिमेन हेल्दी भी है, बट वी हैव टू राइट ओनली टू, बिकॉज ऑप्शन में भी हमारे पास टू ही है, ये लिव एंड ग्रो. नाउ फ्लोर. फ्लोर मीन्स आटा. फ्लोर इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ व्हीट प्लांट. सो व्हीट प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जिसके हम आटा बनाते हैं? सो चीज, ग्रेन्स, कर्ड, आलमंड्स, नॉन वेजिटेरियंस, लिव, ग्रो, पीनट्स. सो इसमें कौन सी चीज होती है? सो ग्रेन्स. सो फ्लोर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ व्हीट प्लांट. व्हीट प्लांट के ग्रेन से हमें क्या मिलता है? आटा मिलता है. डैश एंड डैश आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स इन विंटर. सो इनमें से कौन से जो है जो ड्राई फ्रूट्स है? चीज नहीं है, ग्रेन तो हो गया है. कर्ड नहीं, नॉट अ ड्राई फ्रूट. आलमंड, यस, बादाम हमारा ड्राई फ्रूट होता है. नॉन वेजिटेरियन, लिव एंड ग्रो हो गया है. पीनट्स, एंड यस, पीनट्स इज ऑल्सो अ ड्राई फ्रूट. सो आलमंड्स एंड पीनट्स. सो ये आप विंटर सीजन्स में खाते होंगे सारे. सो दीज ऑल बोथ आर ड्राई फ्रूट्स. डैश एंड डैश आर टू मिल्क प्रोडक्ट्स. सो मिल्क से इनमें से कौन सी चीज है जो बनी हुई है?
सो चीज, यस चीज हमारा मिल्क से बनता है, एंड कर्ड. सो चीज एंड कर्ड आर द टू थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम मिल्क एंड दीज आर द मिल्क प्रोडक्ट्स. क्या है हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये मिल्क से बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज चिंटू लाइक्स टू ईट फिश. ही इज अ, जो फिश खाता है, मीट खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस. क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियंस, राइट. और जो मीट फिश नहीं खाते उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस. सो सम आर वेजिटेरियंस एंड सम आर नॉन वेजिटेरियंस. कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं. सो आप देखिए, आप क्या हैं, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियंस. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन वेरियस फॉर्म्स. सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट दीज आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड फूड इन वेरियस फॉर्म्स. तो हमें अलग अलग फॉर्म्स में प्लांट्स और एनिमल्स फूड प्रोवाइड करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फूड फ्रॉम प्लांट्स. कि जो फूड हमें प्लांट से मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. बिकॉज ज्यादा जो फूड है वो हमें किससे मिलता है? प्लांट्स से मिलता है. एनिमल्स से भी मिलता है बट ज्यादा जो मिलता है दैट इज फ्रॉम प्लांट्स. सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ. यू ऑल नो, यू ऑल हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू. आपके आसपास भी बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं एंड दे प्रोवाइड अस मैनी फॉर्म्स ऑफ फूड मटेरियल्स. और वो हमको बहुत सारे फॉर्म्स में जो है फूड प्रोवाइड करते हैं. सम ऑफ द फूड्स आर ईटन रॉ एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. सो कुछ जो हैं वो हम कच्चा ही खा लेते हैं. सो कैन यू नेम सम प्लांट्स विच वी ईट इन रॉ फॉर्म और थिंग्स विच वी ईट इन रॉ फॉर्म? यस, वी कैन ईट कैरेट, रेडिश, फ्रूट्स इन रॉ फॉर्म. ये सारे हम क्या हैं? रॉ फॉर्म में खाते हैं, कच्चा ही खा ले सकते हैं हम इनको, राइट. एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. और कुछ को हम कुक करके खाते हैं, जनरली हम वेजिटेबल्स, राइस और बहुत सारी चीज़ें हैं, चपातीज, ये सारी चीज़ें हम क्या हैं? कुक करके खाते हैं. सो सम फूड्स आर ईटन रॉ एंड सम आर ईटन इन कुक्ड फॉर्म. दैट मीन्स कुक्ड कुक बिफोर ईटिंग, हम उसको खाने से पहले पकाते हैं. So you can see here in the picture different food items that we get from plants. Plants से हमें ये चीज़ें मिलती है. You can see here we can get the greens. You can see here wheat. Wheat से क्या बनाया है ये? Flour. Flour means आटा. इस wheat के जो greens हैं उनसे हमें क्या मिलता है? आटा मिलता है जिससे हम चपाती बनाते हैं. You can see here the fruits. ये fruits क्या है? हम कैसे रॉ खाते हैं, लाइक फ्रूट्स एंड सो इनको हम रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं. आप जिसमें से ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं, बनाना है, राइट. ये हम कैसे खाते हैं? रॉ फॉर्म में खाते हैं. एंड यू कैन सी हियर द वेजिटेबल्स. सो सम ऑफ द वेजिटेबल्स वी ईट इन रॉ फॉर्म और कईयों को हम कुक करके भी खाते हैं. सो दीज आर द फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss about the different parts of plants that we eat, right? Thank you.